Assalamu alaikum and very good morning to my lovely student. How are you all? I hope you are all well at home. So welcome back again student to my mathematics class, class 3, chapter 2, fun with numbers. So students, हमने last video में exercise देखी थी, right? कि हमने textbook work explain कर दिया था सारा, ठीक है students? Now लेट्स मूव टूवर्ड, मैंने जैसे बोला था अब आप सी डब्ल्यू स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट सी डब्ल्यू वर्क. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमारी एक्सरसाइज है सी डब्ल्यू की, जो हमने ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में कर लिया है. दैट राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपांडेड फॉर्म. तो हमने एक्सपांडेड फॉर्म वाली एक्सरसाइज ऑलरेडी हमने की है, याद है ना? लेजी क्रेजी शॉप में हमने किया था, राइट? एंड देन हमने वो चंदा मामा वाले में भी किया था. सभी नंबर्स को हम एक्सपांड करते थे एंड देन वी डू, राइट? सो फर्स्ट इज 809. तो जैसे मैंने बोला, यू हैव टू स्पीक द नंबर स्लोली टू गेट द एक्सपांडेड फॉर्म. सो फर्स्ट व्हाट यू आर स्पीकिंग, 809. सो इन बिटवीन यू हैव टू पुट द प्लस साइन. सो दिस इज द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ नंबर 809. Understood students? Then next is 593. कौन सा नंबर है? 593. So 593. Or in between you have to put a plus sign. So this is the expanded form of number 593. Understood? Then 240. So what you are speaking? 240. So this is the expanded form of number 240. So 200 plus 40. Understood students? समझ में आया? Okay. उसके बाद exercise है, write the following numbers in स्टैंडर्ड फॉर्म. अब हमें स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. दैट मीन्स अभी अब तक हम क्या करते थे, नंबर्स थे उसको एक्सपांड करते थे. अब एक्सपांडेड फॉर्म होगा, उसको ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें बनाना है, राइट? लिखना है. सो फर्स्ट इज 700 प्लस 80 प्लस 7. सो 787, राइट? 787. या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, 100 प्लेस, टेंस एंड वंस प्लेस. सो 100 वाला फॉर्म है, तो 7 फर्स्ट डिजिट, 80 टेंस एंड वंस, तो 8 आएगा टेंस प्लेस पे और 7 आएगा वंस प्लेस पे. अगर फिर भी नहीं आता है तो आप रफ में 780 और 7 ऐसे 100 टेंस एंड वंस. सो 780 एंड 7 एडिशन करोगे, 0 प्लस 0 0 प्लस 7 7 0 प्लस 8 8 एंड 7 ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स? ओके. देन 20 प्लस 9. सो 20 प्लस 9 कितने होते हैं स्टूडेंट्स? 29. देन 400 प्लस 5. तो स्टूडेंट्स अगर नहीं आता है, सो 400 100 टेंस एंड वंस, 5 वन डिजिट, तो यहाँ पे वंस प्लेस पे आएगा. एडिशन करना है, 0 प्लस 1 1 0 4. सो व्हाट वी गेट आंसर स्टूडेंट्स? 5. कौन सा नंबर है यहाँ पे? 5. तो 0 प्लस 5 5. सो कौन सा नंबर आएगा स्टूडेंट्स? 405. सो हियर द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 400 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 405. सो अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, एक्सपांडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म. अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे 100 टेंस एंड वंस प्लेस पे सारे नंबर्स लिख के कर सकते हो. जैसे हम लोग स्टूडेंट्स, याद है ना, लेजी क्रेजी में सबसे पहले क्या था कि हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि 100 के कितने होंगे, टेंस के कितने, वंस के कितने. डैट मीन्स एक्सपांडेड फॉर्म, हम एक्सपांड करते थे और फिर हम ड्रॉ करना था इसमें चंदा मामा में. पहले में हमने किया था कि हम 100 का कार्ड यूज़ करेंगे, टेंस का, उसके बाद हमने काउंटिंग की थी, राइट? याद है ना आपको कि 100 के कितने हैं, तो आप 100 के मेंशन कर देते, टेंस कितने हैं, वंस कितने हैं, और फिर टोटल करके हमें मिल जाता था एक नंबर. सो वैसा ही है, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म. दिस टू स्टूडेंट्स, दिस बोथ द एक्सरसाइज. ओके, नाउ लेट्स सी योर नेक्स्ट एक्सरसाइज.
Now, students, your next exercise is place value and face value. यानी आपको कोई भी नंबर दिया है उसकी प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो स्टूडेंट्स, प्लेस वैल्यू पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो बता देती हूँ, विच इज़ अबाउट फेस वैल्यू. यानी स्टूडेंट्स, फेस वैल्यू जो भी नंबर हो उसकी एज इट इज़ ही रहेगी, जो नंबर है एज इट इज़. सिर्फ वेरिफिकेशन आएगा प्लेस वैल्यू में. कैसे? कि अगर जो भी नंबर है वो अगर 100 की प्लेस पे है तो उसको हम 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और जिसकी प्लेस वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है वो नंबर अगर 10 प्लेस पे है तो उसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर नंबर 1 प्लेस पे है तो उसको 1 से. राइट, समझ में आ गया? अगर 100 प्लेस पे नंबर है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, 10s के प्लेस पे है तो 10 से, और 1s के प्लेस पे है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है सिर्फ प्लेस वैल्यू में. और फेस वैल्यू में हमें कुछ भी नहीं करना है. जो भी नंबर हो, चाहे वो 100 प्लेस पे हो, 10s प्लेस पे हो या 1s प्लेस पे है, जो भी नंबर है एज इट इज रहेगा. ठीक है? सो हियर regarding place value and face value, one exercise is there. Write the place value and face value of underline digit. यानी जो number के नीचे underline ऐसे की है उसकी हमें place value and face value दोनों ही लिखनी है. राइट, तो आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर्स दिए हैं, हियर प्लेस वैल्यू एंड हियर यू हैव टू मेंशन द फेस वैल्यू. तो अगर स्टूडेंट्स आपकी TCEW में अगर ऐसी एक्सरसाइज लिखने के लिए दूँ तो आपको भी ऐसे टेबुलर फॉर्म में अच्छे से ड्रॉ करना है. राइट, एंड देन यू हैव टू मेंशन द प्लेस एंड फेस वैल्यू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन. हियर आई मेंशन ऑलरेडी 100, 10s एंड 1s प्लेस. क्वेश्चन ए, 735, और आप देख सकते हो अंडरलाइन नंबर कौन सा है, 3, और 3 कौन सी प्लेस पे है स्टूडेंट्स, 10s की प्लेस पे. तो अगर नंबर 10s प्लेस पे हो तो हमें क्या करना है, उसको 10 से मल्टीप्लिकेशन. यानी 3 नंबर है सो 3 को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है. राइट, सो 3 10s आर 30. व्हाट वी गेट स्टूडेंट्स, 30. और जैसे मैंने बोला था, हो सकता है हमारी प्लेस वैल्यू वेरी होगी, बट फेस वैल्यू चाहे नंबर 10s प्लेस पे हो, 100 प्लेस पे हो या 1s प्लेस पे, नंबर एज इट इज़ रहेगा इन फेस वैल्यू. यानी 3 की फेस वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, 3. राइट, सो 3 की प्लेस वैल्यू होगी 30 एंड फेस वैल्यू होगी 3. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, समझ में आया ना? ओके, देन नेक्स्ट इज नंबर बी, 560. सो हियर यू कैन सी अंडरलाइन नंबर इज 0, और 0 कौन सी प्लेस पे स्टूडेंट्स, 1s. तो अगर 1s प्लेस पे नंबर हो तो उसको हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है. सो दैट मीन्स 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 0 1s आर 0. याद रखना, 0 को अगर कोई भी नंबर से हम स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ऑलवेज 0 ही आएगा. ठीक है? ओके, और फेस वैल्यू एज इट इज 0. राइट, नो चेंज इन फेस वैल्यू. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है ना? ओके, देन क्वेश्चन सी, 836, एंड अंडरलाइन नंबर कौन सा है, 8, और 8 कौन सी प्लेस पे है, 100. तो अगर नंबर 100 प्लेस पे है तो उसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है. सो 8 मल्टीप्लाई बाय 100, सो व्हाट वी गेट आंसर स्टूडेंट्स, 800. सो 800 की प्लेस वैल्यू होगी 800, और फेस वैल्यू एज इट इज 8, नो चेंज, जो नंबर है एज इट इज ही आएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है ना? ओके, देन लास्ट वन विच इज़ योर डी, 201, अंडरलाइन नंबर इज 0, एंड 0 इज एट अ 10s प्लेस. कौन से प्लेस पे है, 10s प्लेस पे. तो अगर नंबर 10s प्लेस पे हो तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है. सो 0 मल्टीप्लाई बाय 10, सो 0 10s आर 0, एंड फेस वैल्यू एज इट इज 0. राइट, सो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं 2-digit आंसर आता है 10s प्लेस पे हो तो. यहाँ पे 0 मीन्स 0, 0 का किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो आंसर ऑलवेज 0 ही आएगा.
Understood, students? Now, let's move towards your next exercise. Now, students, your next topic is odd and even numbers. यानी हमें ऑड और इवन नंबर सबसे पहले पता होनी चाहिए. यानी मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से या फिर आपको नहीं होगा तो सेकंड स्टैंडर्ड में मैंने आपको वन डिजिट ऑड नंबर्स और वन डिजिट इवन नंबर्स कौन कौन से हैं वो एक्सप्लेन किए थे. दैट वन डिजिट ऑड नंबर्स आर 1, 3, 5, 7 and 9. सो दीज आर द वन डिजिट ऑड नंबर्स. एंड वन डिजिट इवन नंबर्स आर 0, 2, 4, 6 and 8. सो आपको स्टूडेंट्स सिर्फ ये वन डिजिट ऑड और इवन नंबर्स ही याद रखने हैं, राइट? तो अगर आपको ये वन डिजिट ऑड और इवन नंबर्स नहीं याद होते तो आप क्या करोगे? सो आपको याद करने के लिए सबसे पहले इवन लिखो और ऑड, देन ड्रॉ लाइन लाइक दिस. ओके, इवन एंड ऑड लिख लिया और आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है. इवन यहाँ पे ज़ीरो नंबर से स्टार्ट करना है. सो ज़ीरो वहाँ पे लिखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. तो ये सारे हो गए हमारे इवन नंबर्स और ये हो गए ऑड नंबर्स. तो अगर आपको स्टूडेंट्स ये नंबर याद नहीं रहते कि कौन से ऑड है या इवन, तो आप इवन फर्स्ट लिखिए बाद में ऑड, राइट? ज़ीरो से स्टार्ट करते वन बाय वन ऐसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिखोगे तो हमें इवन और ऑड नंबर्स पता चल जाएंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, कैन यू डू दिस? आप कर सकते हो ना? ओके, तो इससे इजीली आपको याद हो जाएंगे. नाउ स्टूडेंट्स, ये तो हमें पता चला सिर्फ वन डिजिट यानी एक डिजिट नंबर हो तो उसका पता चला. नाउ इफ द नंबर इज मोर देन वन डिजिट, जैसे कि नंबर होगा 25, 30, 265 यानी मोर देन वन डिजिट हो, तो उसके लिए क्या करना है? सो स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको जो भी नंबर हो, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, जैसे कि मैंने बोला सबसे पहले 25, तो उसका टेंस एंड वंस, तो ये वंस प्लेस वाला नंबर आपको देखना है. अगर वंस प्लेस वाला नंबर ऑड है तो पूरा 25 कंसिडर करना है ऑड, और अगर वंस प्लेस वाला इवन है तो पूरा नंबर कंसिडर होगा इवन. जैसे 25 में वंस प्लेस पे नंबर कौन सा है? 5, और 5 कौन सा नंबर है? ऑड. तो 25 कौन सा नंबर कहलाएगा स्टूडेंट्स? ऑड, राइट? समझ में आया? मोर देन वन डिजिट हो तो हमें क्या करना है? नाउ ऑड और इवन की रिगार्डिंग अब हमारे पास एक एक्सरसाइज है, वो हम सॉल्व करते हैं. सर्कल ऑल द इवन नंबर्स, तो हमारे यहाँ क्या है, इवन नंबर्स जितने हैं उनको सर्कल बनाना है. फर्स्ट ऑफ ऑल 337, सो 100, 10s and 1s, तो हमें कौन सा नंबर देखना है? वंस प्लेस वाला नंबर. वंस प्लेस नंबर इज 7, और 7 ऑड नंबर है, इवन है? नो, तो हमें इसको सर्कल नहीं करना है बिकॉज इवन नंबर नहीं है. अंडरस्टूड? कैसे आइडेंटिफाई करना है? हमें वंस प्लेस वाला नंबर देखना है, अगर वंस प्लेस वाला इवन है तो ही हमें पूरा इवन कंसिडर करना है. नाउ नेक्स्ट इज 240, सो 100, 10s and 1s, हमें कौन सा नंबर देखना है? वंस प्लेस. वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है? 0, सो 0 यू कैन सी इवन नंबर्स, यानी 240 पूरा होगा इवन, तो उसको हमें सर्कल करना है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नाउ आफ्टर दैट 583, कौन सा नंबर है? 583, सो 100, 10s and 1s, वंस प्लेस नंबर कौन सा है? 3, सो 3 इज एन ऑड नंबर, तो इसको हमें सर्कल नहीं करना है, राइट? देन नेक्स्ट इज 444, सो 100, 10s and 1s, वंस प्लेस पे नंबर कौन सा है? 4, और 4 इवन नंबर है, यानी टोटल 444 कौन सा नंबर हो जाएगा? इवन, यानी इसको हमें ऐसे सर्कल करना है. Understood students? Then next 175, so 100, 10s and 1s, so 1 space pe kaun sa number hai? 5, and 5 you can see odd number, 5 kaun sa number hai? Odd, iske liye 175 nahi aayega. ठीक है, सो हमें सर्कल नहीं करना है क्योंकि हमें सिर्फ इवन नंबर्स को ही सर्कल करना था. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स?
Now, next exercise, tick all the odd numbers. अब odd numbers को हमें क्या करना है, ऐसे टिक मार्क करना है, ठीक है. Here you can see number के नीचे ये जो बॉक्स दिए उसमें हमें टिक करना है. अगर odd number हो तो, even numbers है तो हमें कुछ नहीं करना है. जैसे यहाँ पे हमने सर्कल किए थे, सिर्फ इवन को, ऑड को हमने कुछ नहीं किया था, राइट. ओके, देन नंबर इज 62. फर्स्ट नंबर 62. सो टेंस एंड वंस. सो वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है? टू. एंड टू इज एन इवन नंबर, ऑड है? नो. तो ये 62 को हमें टिक नहीं करना है, राइट. देन नेक्स्ट इज 59. सो टेंस एंड वंस. सो वंस प्लेस पे नंबर कौन सा है? 9. एंड 9 इज एन ऑड नंबर, यानी पूरा 59 क्या होगा? ऑड नंबर. तो ऑड नंबर को हमें क्या करना है? टिक. तो यहाँ पे ऐसे टिक मार्क लगाना है, ठीक है स्टूडेंट्स. अंडरस्टूड? समझ में आया? ओके, देन नेक्स्ट इज नंबर 100. सो 100, टेंस एंड वंस. वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है? 0. एंड 0 इज एन इवन नंबर, और नहीं है, तो ये पूरा 100 इवन नंबर होगा, और नहीं है इसलिए हमें टिक नहीं करना है, ठीक है. देन नेक्स्ट 445. सो 100, टेंस एंड वंस. वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है? 5. एंड 5 इज एन ऑड नंबर. 5 कौन सा नंबर है? ऑड, यानी पूरा 445 ऑड होगा, तो उसको हमें टिक करना है ऐसे. यस और नो स्टूडेंट्स? ओके, देन नेक्स्ट इज 387. सो 100, टेंस एंड वंस. सो वंस प्लेस पे नंबर कौन सा है? 7. और 7 ऑड नंबर है? यस, 7 है ना ऑड नंबर्स, तो 387 भी ऑड नंबर्स है, तो उसको हमें टिक करना है. ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स आई विल एक्सप्लेन यू एक्सपांडेड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड ऑड एंड इवन नंबर्स. इंशाल्लाह इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द फर्दर CW work of your lesson. Okay students, till then stay home, stay safe, be connected with your learning process, take care of yourself. और students, ये सिर्फ आपके explanation के है लिए है, अभी ये चीज़ आपको CW में नहीं लिखना है. जब इसका CW हम PDF form में group में भेजेंगे, वो आपको CW के अंदर लिखना है. Okay students, Allah Hafiz.